नमस्कार जी, आज बहुत ही अच्छा और आपके पर बिजनेस और बहुत लोगों को काम आएगा। बहुत आजकल क्या है, लोग एक जो ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें लोग ज़्यादा बहुत कंफ्यूजन रहते हैं और करते तो हैं पर विफल हो जाते हैं। इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अभी जो बिजनेस बहुत चल रहा अच्छा है और लोग करते भी हैं और फेलियर हो जाते हैं इसके लिए, और हमें अच्छे से इसके लिए हमें जानकारी होनी जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग हम कैसे करें। मार्केटिंग में कम से कम हजारों कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग, विदेशी कंपनी भी है और अपने भारत देश की भी बहुत ही कंपनियाँ हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी के जो आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो आप उसमें सफल नहीं होगे और नहीं आपको सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, और जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में तो आपको पहले से नॉलेज लेने के बाद ही आप ज्वाइनिंग करें, और बिना जाने आप ज्वाइनिंग करोगे तो फिर पछताना पड़ता है और उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी और आप सोचोगे ये नहीं वो कंपनी अच्छी थी, ये नहीं वो कंपनी अच्छी थी। इसलिए आप सभी से सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले तो आप उसके अच्छे रिसर्च कर लें और अपने दोस्तों को और पूछें और उसके बारे में अच्छे से ज़्यादा जानकारी जुटाएं, और उसके बाद में आप ज्वाइनिंग करना। और कुछ लोग ज्वाइनिंग होने के बाद भी विफल और सफल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो करने की क्षमता है और अलग अलग तरह के उनके अंदर विचार रहते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो सफल नहीं होते। क्योंकि ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले युवा आजकल बहुत कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, कम से कम एक साल से दो साल तक एक कंपनी में काम करते हैं और मेहनत करते हैं, फिर उस कंपनी को गिव अप कर देते हैं, और ऐसे हम एक साल के बाद हर कंपनी को गिव अप करते रहेंगे तो कभी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी में काम करना है, और आप जिस कंपनी में भी काम करते हो तो पहले जो भी आपका साथी है आपको जो जिस कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग करता है वो आप पहले से सेलेक्ट कर ले, अच्छे आपके उसके साथ तालमेल रहे, उसके साथ ही करें, वो आपका फुल सपोर्ट दे सके और आप उसको समझ सके। ऐसे लोगों के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो सफल होंगे, और आप एक साल के बाद गिव अप कर लेते हैं ये भी बात है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होने के लिए एक ही कंपनी के आपका डिसीजन ले लेना चाहिए और लक्ष्य रहना चाहिए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करें तो इसी एक ही कंपनी में करेंगे। क्योंकि कंपनियाँ तो सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, पर क्या है हम क्या करते हैं एक साल छः महीने डेढ़ साल दो साल करके फिर छोड़ देते हैं तो फिर हम फेलियर ही बनेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है और लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग जब भी करते हैं तो एक ही कंपनी के अंदर करिए और अपने टीम के साथ काम कीजिए आप, और अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ तालमेल बना के कीजिए और आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हजारों कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, आप हर साल कंपनी बदलते रहोगे तो आपका लेवल कभी पूरा नहीं होगा, और लेवल पूरा नहीं होगा तो आप सफल भी नहीं होंगे। इसलिए आप लगे रहना और दृढ़ संकल्प के साथ एक ही कंपनी में काम करें और आपको सफलता मिलेगी। बार बार हमेशा अलग अलग कंपनियां आप सर्च करते रहोगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर से आपको चौथा पांचवा लेवल जो भी होगा फिर नई कंपनी ज्वाइनिंग करोगे वो लेवल तो आपको मिलेगा नहीं, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि आप पहले से अच्छे डिसीजन के साथ एक ही कंपनी के अंदर काम करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी डाल रहा हूँ, और आपको अधिक जानकारी के लिए है तो आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। और आपको नेटवर्क मार्केटिंग किसके साथ जुड़ना है और कौन से कंपनी के साथ काम करना है उसके लिए भी आपको मेरे से बात करनी है तो कर सकते हो, मैं वो भी आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर डाल दूंगा। और एक और बात है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है लोग अलग अलग और अलग अलग फॉर्मूले से जानते हैं, और क्या है हमारे भारत देश के अंदर लोगों के अंदर एक अलग वहम भरा हुआ है। इसलिए आप जो भी मार्केटिंग करते हैं तो पहले आपका खुद का डिसीजन मजबूत होना चाहिए कि आजू बाजू वाला पड़ोस वाला क्या करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और आप पहले
अच्छे से सोच के करें, क्योंकि बिना सोचे और बिना समझे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर दिए तो फिर आप सफल नहीं हो पाओगे, खाली पछतावा ही रहेगा। ठीक है, और आपको आगे नए से नए बिजनेस के बारे में और अच्छे वीडियो आपको आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो लाइक करें और शेयर करें, आपके सभी दोस्तों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं आपको फिर से नए और तरीके से और अलग अलग बिजनेस के बारे में आपके तक ये वीडियो और मेरे चैनल तक आपको पहुंचाते रहूँगा। मरुधर मारो देश, इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के पास आपके पहुँचाएँ कि अच्छे से अच्छे आपको वीडियो मिल सके और अच्छे विचार और बिजनेस के बारे में भी मैं अच्छे 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 आपको वीडियो आने वाले हैं आगे, वो भी आप तक भेजूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूले मेरे दोस्तों। ओके, फिर अच्छे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार जी।